बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका ये जो वीडियो है हमारा, ये पार्ट वन है। क्यों पार्ट वन है? क्योंकि पार्ट वन इसलिए है कि इसके बाद एक एक करके मैं अगले पार्ट्स आपको दूंगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। और सभी स्टूडेंट्स से मेरा अनुरोध है कि वो वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी जा कर के ये समझ में आएगा, ठीक है? और वीडियो को लास्ट तक देखें, कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, और लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है? आगे हम स्टार्ट करते हैं उसकी बात में लैंगिक जनन। जैसा कि आप जानते हैं संयुग्मन विभिन्न प्रकार के पौधों में जनन एक नैसर्गिक गुण होता है। नर और माता युग्मकों के जुड़ने से के बाद नए पौधे के निर्माण होने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ओनली बेसिस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अभी हम आगे बात करेंगे तो पौधों में जो कि देखिए यहाँ पॉइंट्स क्या है, पुष्पीय पौधे फ्लावरिंग प्लांट्स का जो मेन कैरेक्टर होता है वो फ्लावर होता है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो हमारे फ्लावर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है पेटल, है ना, इसके बाहर वाला भाग होता है सेपल, ठीक है? सेपल हमेशा हरे रंग का ग्रीन कलर में होता है, पेटल रंगीन होता है, ये भाग होता है एंथर, ये भाग होता है स्टिग्मा, यहाँ पे जो भाग होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, है ना? और ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसके भीतर होता है ओव्यूल डिजाइन, और इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट। जो ये भाग होता है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल, और ये जो बाहर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी, और इस टोटल पार्ट को बोलते हैं जाइनोसियम। क्या बोलते हैं इस टोटल पार्ट को? जाइनोसियम बोलते हैं। एंथर और दूसरा भाग हमारा जो है फिलामेंट, इस टोटल भाग को बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, और जाइनोसियम जो होता है वो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है प्लांट में। पौधों में पुष्पीय पादपों में जो फ्लावर है उनका ये मुख्य कैरेक्टर होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। देखिए बेटा, आप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा होगा कुछ, एक मैं बताता चलूँगा। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कैलिक्स, इपी कैलिक्स, है ना? कुछ पौधों में कैलिक्स और इपी कैलिक्स भी पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। ध्यान देंगे कैलिक्स क्या है, कैलिक्स ये बाह वाला हो इसको और क्या बोलते हैं, बाह दलपुंज। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं अगला वीडियो दे रहा हूँ, इसमें आपको इसको डिटेल से पढ़िएगा, सारे पूरे कंप्लीट बायोलॉजी आपको मिलेगी मेरे साथ, है ना? बाह दलपुंज ये हमेशा हरे रंग का होता है, बाहर की तरफ होता है ना? इसकी एक इंडिविजुअल पार्ट को सेपल बोलते हैं, ठीक है? दूसरा जो हमारा भाग है वो कोरोला है, कोरोला को कहते हैं दलपुंज, ये सदैव रंगीन होता है, इसके एक भाग को पेटल बोलते हैं, पेटल एक पार्ट को पेटल बोलते हैं। इसी तरह से एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है पौधे का, और दूसरा जो भाग है जाइनोसियम है, जाइनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना? जो फीमेल पार्ट होता है उसको कार्पेल बोलते हैं सिंगल पार्ट को, और यहाँ पे जो मेल होता है, मेल का जो सिंगल पार्ट है उसको बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं बेटा? स्टैमेन बोलते हैं, है ना? अब हम देखेंगे ये हमारे फ्लावर के मेन पार्ट और भी कुछ हैं ओवरी है, जो कि मैं बताऊंगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद इसमें क्या चेंजेस होते हैं, ये थोड़ा सा लास्ट के ही देखेंगे। अभी तो हमने ये जाना है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, है ना? तो अब देखेंगे ये तो फ्लावर था, एक और बेसिक बात कर लें। जो हमारा पौधा होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्पोरोफाइट स्टेज होता है, मुख्य रूप से एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनका जो मुख्य पौधा होता है वो स्पोरोफाइट होता है, और इस स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? गैमेटोफाइट डेवलप होता है। जो गैमेटोफाइट बनता है इससे फिर से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस इसमें चलती रहती है। इसको
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्लास 12 यूपी बोर्ड सीबीएसई एसएससी बोर्ड के सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये है, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, जनरेशन का एक के बाद एक आना ही क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी आप देखिएगा ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो मेन पौधा जो मेन प्लांट होता है जो स्पर्म का वो क्या होता है, मेन प्लांट क्या होते हैं जो स्पर्म का, वो होता है स्पोरोफाइट। मेन प्लांट स्पोरोफाइट होता है। अब इसका जो स्पोरोफाइट है उसके स्पोरोफाइट पर गैमेटोफाइट जब डेवलप होगा लेटर टू यंग होगा, जब इसका गैमेटोफाइट डेवलप होगा तो ये गैमेटोफाइट दो यंग में बढ़ जाएंगे, एक गैमेटोफाइट यंग और दूसरा गैमेटोफाइट अनदर यंग। ठीक, ये एक गैमेटोफाइट जो बनाएगा वो मेल और दूसरा गैमेटोफाइट जो बनाएगा वो होगा फीमेल। जो मेल पार्ट हमारा डेवलप होगा वो एंड्रोशियम से वो होगा पॉलन ग्रेन। ठीक है, और जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होगा वो होगा एग सेल जो कि ओवरी में होगा। इसके डेवलपमेंट को हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे, एक एक चरण में हम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर जो हम अभी अगला वीडियो आपको देने चल रहे हैं इसके बाद वो हमारा होगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, है ना। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। धन्यवाद। अगला वीडियो में आप लोग इसके अगले टॉपिक को पढ़ोगे जो कि पार्ट टू होगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और एंथर पॉलिन ग्रेन। ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा, थैंक्स।